नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कल वोट नतीजे आने वाले हैं, इससे पहले फिर आज वोटिंग हो रहे हैं। अब वोटिंग क्यों हो रहा है जरा ये समझ लीजिए, वोटिंग कहाँ हो रहे हैं जरा ये भी समझ लीजिए। वैसे ही 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और लगभग बीजेपी को हर राज्यों में झटका लगता नजर आ रहा। हालांकि अभी त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में चुनाव हुए हैं और कल नतीजे आने वाले हैं, यानी कि 2 मार्च को, उससे पहले ही बीजेपी को झटका लग गया। जरा सुन लीजिए कैसे, क्योंकि एग्जिट पोल जो नजर आए वो नाराज करने वाले थे। अब आपको बता देते हैं कि नागालैंड में 4 पोलिंग बूथ पर 1 मार्च को दोबारा वोटिंग हो रही है, यानी आज वोटिंग हो रही है 4 पोलिंग बूथ पर। क्यों हो रही है जरा उसके वजह को सुनिए ध्यान से। चुनाव आयोग ने इस चीज पर जो है एक्शन लिया। क्या लिया एक्शन जरा वो समझिए। चुनाव आयोग ने 27 फरवरी को इन बूथों पर हुई वोटिंग को अमान्य घोषित कर दिया है। आपको मैंने तब भी बताया था जब त्रिपुरा में इलेक्शन हो रहे थे, उस दिन वोटिंग हो रही थी। वोटिंग के बीच में बीजेपी के प्रत्याशी ने कहा था कि भाई यहाँ धांधली हुई है, यहाँ गड़बड़ी हुई है, ईवीएम को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था और उस दिन भी रीवोटिंग की उन्होंने मांग की थी। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं चुनाव आयोग ने सुना और चुनाव आयोग ने बजबते ये कहा कि शांतिपूर्वक आराम से ये तमाम चुनाव हुए। लिहाजा अब सवाल ये है कि आखिर किस वजह से और क्यों आखिर चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया। और आज जो 4 पोलिंग बूथ पे वोटिंग हो रहे हैं, क्या इसमें बीजेपी का कम से कम खाता खुलेगा, क्या इसमें किस्मत उनका चमकेगा? क्योंकि जो फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें 3 राज्यों में से कहीं भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी का जो है पूरी तरह से पत्ता साफ होता नजर आ रहा है और ये चिंता की बात है, ये हैरान करने की बात है कि बीजेपी दरअसल क्या कुछ करेगी। देखना पड़ेगा कि आज फिर से चुनाव आयोग हालांकि इन पोलिंग बूथ पर चुनाव करा रही है, लेकिन इन 3 राज्यों में अगर बीजेपी हार जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि बीजेपी का जो एक मोदी लहर के सहारे जो राज्यों में वो वोट बटोरते हैं, उनके नाम पर वोट लेते हैं, वो अब शायद उन्हें नसीब होता हुआ नजर नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे स्पेन 9 न्यूज़। नमस्कार।